हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स जोसन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ केबी ऑफ वुड, यानी कि हम वुड का कैलकुलेशन केबी में कैसे करते हैं, इस बारे में हर एक डिटेल में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने पहले इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता हूं अपने मैं टॉपिक की और कैलकुलेशन ऑफ केबी ऑफ वुड। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने एक ये 12 फीट वुड का एक एग्जांपल लिया हुआ, जिसका मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, जिसकी ये ब्रेथ कितनी है 4 इंच है और हाइट इसकी कितनी है 3 इंच है। ठीक है, इसका मुझे कैलकुलेशन करना है केबी में, तो उसको कैसे करते हैं और यहाँ पे इंच क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में कैसे वुड का कैलकुलेशन करते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये देख लिए केबी का डू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, जो भी वुड का रहेगा उन तीनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो केबी में होता है। तो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो वुड की लेंथ कितनी है 12 फीट है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और इसकी ब्रेथ कितनी है वो 4 इंच है और हाइट इसकी कितनी 3 इंच है। ठीक है, तो इन तीनों को लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो ये इंच है इसको हमें फिट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि सभी तीनों चीज़ें एक ही यूनिट में होनी चाहिए, अलग अलग रहेगा तो आंसर कभी सही नहीं आएगा, वो हमेशा गलत आएगा। तो 3 इंच को हमें फिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें 3 / 12 करना होगा। ठीक है, तो उससे हमें फिट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लिए यहाँ 3 से 12 में डिवाइड कर दिए तो आ गया कितना 0.25 फिट। ठीक है, और 4 में डिवाइड कर दिया 12 से तो आ गया कितना 0.3333 फिट और 12 फिट। तो ये है, ये अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 फीट क्यूबिक। ठीक है, यानी इन तीनों मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया, तो 1 फीट क्यूबिक हो गया, जिसे फिट क्यूब भी लिख सकते हैं। और इसके बाद है क्या, इंच में, यानी कि इंच में हमें कैसे निकालना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये फिट को ऊपर यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंच को कन्वर्ट कर दिया था फिट में, अब मैं यहाँ पे फिट को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें 3 इंच है तो इसको यही रहने देते हैं, 4 इंच है यही रहने देते हैं, और 12 फिट है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इंच में। तो 12 में 12 से मल्टीप्लाई तो आ जाए कितना 144 फिट। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे इन तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाए कितना 1728 इंच क्यूब। ठीक है, तो ये इंच क्यूब में आ गया है। ठीक है, 1 KB वुड इतना इंच क्यूब होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देख ले सेंटीमीटर, यानी कि 1 KB में कितना सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी होती है। ठीक है, वुड होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 इंच है। ठीक है, यही सेम वैल्यू हमने ये पूरी उतार दी है, अब इसको हमें सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा 3 इंच को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 3 × 2.54 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 में भी 2.54 से हो गया मल्टीप्लाई, और 12 फिट को हमने इंच में कन्वर्ट किया था, कितना आया था 144, वो उतार दिया है और इंटू कर दिया कितना 2.54 से। ठीक है, तो अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे 7 आ गया 3 के इसमें मल्टीप्लाई करने पर 7.62 सेंटीमीटर, और 4 में कर दिया इसने से तो आ गया कितना 10.16 सेंटीमीटर। ठीक है, और 144 में 2.54 से किया तो आ गया कितना 365.76 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया कितना 28,316.85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगला देख लिए, अब हम देखेंगे कि वुड का कैलकुलेशन मीटर क्यूब में कैसे करते हैं। ठीक है, 1 KB का, तो 3 इंच है, 4 इंच है, 12 फिट है। ठीक है, वही साइज़ है, सेम है, इसको उतार दिया है मैंने। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इन सबको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 3 में मल्टीप्लाई कर दें किससे, 0.0254 से। ठीक है, वही किया 4 में भी, 4 × 0.0254 × 144 यानी फिट को इंच में कन्वर्ट किया तो ये आया, और इंटू कर दिया कितने से, 0.0254 से, तो आ जाएगा कितना 0.0762 मीटर × 0.1016 मीटर, और यहाँ पे आएगा कितना 3.6576 मीटर। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 0.028317 मीटर क्यूब। तो अब फाइनली हमें मिल गया है कि 1 KB ऑफ वुड कितनी होती है। ठीक है, यानी कि 1 KB ऑफ वुड होती है 1728 इंचेस भी हो सकती है, 28,316.85 सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, और 0.028317 मीटर क्यूब भी होती है, और 1 फीट क्यूब के इक्वल होती है। ठीक है, 1 KB ऑफ वुड। तो ये था वुड का कैलकुलेशन। अगर आप कहीं भी जाएं वुड परचेस करने यानी ख़रीदने जाएं, तो आप इस तरीके से आप वुड का सही मतलब कि आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी जितना आपको ख़रीदना उतना ही आप ख़रीद लेंगे आसानी से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।